हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मूवी रिव्यू करने वाला हूं, जिस चीज़ के लिए मैंने चैनल बनाया है उसी के लिए मैं फर्स्ट वीडियो अपनी शूट कर रहा हूं। तो आज मेरा जो मूवी रिव्यू है, एक्चुअली मूवी तो नहीं है, सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज़ है, ये काली काली आँखें। तीन चीज़ें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, पैसा, ताकत और उसी का मैं आज रिव्यू करने वाला हूं कि आप लोगों को वो देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, और आपका टाइम वेस्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो ये वेब सीरीज जो है नेटफ्लिक्स की है, इसे जो डायरेक्ट किया है वो किया है सिद्धांत सेन गुप्ता ने। और अगर इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर की बात करें जिसके इर्द गिर्द हमारी ये स्टोरी घूमती है, वो है विक्रांत। विक्रांत का जो कैरेक्टर है वो ताहिर बशीन ने प्ले किया है। उसके बाद बात करें तो हम एक अपूर्वा का कैरेक्टर है, एक शिखा का कैरेक्टर है, एक अखिराज का कैरेक्टर है और एक गोल्डन का कैरेक्टर है। तो मेन जो कैरेक्टर है हमारे बेसिकली यही हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी स्टोरी घूमने वाली है। स्टोरी की अगर बात करें तो स्टोरी में कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी ठीक है और इसका स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, मतलब कि कौन से सीन को कब रखा जाना चाहिए सब कुछ ठीक ठाक चलता है। और कैरेक्टर्स की बात करें तो अपने रोल को सभी ने अच्छे से प्ले किया है। जो ये वेब सीरीज़ है, ये अनदेखी जो वेब सीरीज़ है उसी के जैसी है समथिंग। स्टोरी की बात करें तो ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ये देखने में मज़ा नहीं आएगा, स्टोरी ठीक लगती है। बट अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो लेंथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि लाइक ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा शॉर्ट स्टोरी में प्ले कर सकते थे हम। स्टार्टिंग के जो हमारे 4 to 5 जो एपिसोड है वहाँ तक ये स्टोरी आपको बांध के रखेगी, लाइक लगेगा कि हाँ यार कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। बट अगर मैं 6, 7 और 8, टोटल हमारे 8 एपिसोड है इसमें, लेकिन 6, 7, 8 की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 6 में ही ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जितना उसके अंदर 8 तक उसको खींचा गया है। अगर हम स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो ठीक ठाक लिखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और अगर डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स भी ठीक हैं, लेकिन कुछ सीन्स हैं जो कि हमें लगता है कि मतलब क्यों, मतलब ऐसा होता है रियलिस्टिक को लेके कि ये ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा हमें फील होता है कि यार कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया है। बट अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम की जो लाइफ चल रही है वो एक चीज़ के लिए इतना पागल हो जाए कि हम लोग उसके पीछे अपने परिवार को भूल जाएँ और मरने पे आ जाएं, वो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है आज के टाइम पे। तो ठीक है, हम तो बेसिकली इसको स्टोरी के हिसाब से देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं, बट फिर भी एक साइड से स्टोरी को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें दोनों पार्ट्स पे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जो कि हमें लाइक 7th और 8th एपिसोड में लगता है कि दूसरा पार्ट की साइड स्टोरी जा रही है, मतलब 6 एपिसोड में क्या किया हुआ है, 6 एपिसोड तक एक ही साइड से स्टोरी चल रही है। बट अगर मैं बात करूं दूसरी साइड की स्टोरी की, दूसरी साइड की स्टोरी की 7th एपिसोड के हाफ से ही स्टार्ट होती है कि हाँ अब ये कुछ कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ जैसे कि हमें पता है कि नेटफ्लिक्स का रिकॉर्ड है कि लाइक इंडिया, बेसिकली नेटफ्लिक्स इंडिया। अगर मैं देखें तो ये जो हमारी वेब सीरीज़ है वो ठीक ठाक काम कर जाती है। आप उसको ये नहीं होगा कि बोर हो रहे हैं आप उसे देख के, आप बैठे रहेंगे, मतलब ठीक है, मतलब 4 से 5 आपने अगर एपिसोड देख लें तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं 2-3 एपिसोड छोड़ दूं और स्टोरी को बीच में ही रहने दूं कि हाँ यार आगे क्या होने वाला है उसको ना देखूं, ठीक है। 5th एपिसोड तक ये स्टोरी बहुत अच्छी है, लाइक ठीक है कुछ होगा कुछ होगा। 1 से 2 शायद इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न है, ठीक है, कि लाइक ये कैसे हो गया है ना, तो वो आपको इंगेज करके रखेंगे। अदरवाइज़ में स्टोरी में कुछ ऐसा खास नया नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है,
बट ठीक है, इसकी जो स्टोरी है बेसिकली मैं आपको स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, आप खुद देखिएगा। बट हाँ, एक नेता के इर्द गिर्द और एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है कि एक नेता की क्या लाइफ होती है और एक अगर मिडिल क्लास आदमी है तो उसकी क्या लाइफ होती है, और उसकी लाइफ पे एक नेता या बड़े आदमी का असर अगर पड़ जाए तो क्या होने वाला है, तो उसी के आसपास ये स्टोरी घूमती है। बाकी सीज़न वन को डेवलप किया गया, हो सकता है कुछ आगे बहुत अच्छा हो, लेकिन ये जहाँ पे एंड होती है स्टोरी, यहाँ जहाँ पे ये एंड हो रही है स्टोरी, वहाँ के बाद आपको लगेगा कि यार सेकंड सीज़न आना ही चाहिए, और आपको लगेगा कि हाँ सेकंड सीज़न में कुछ होने वाला है नया। और एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने 7th एपिसोड में, तो वो आपको पसंद आएगा। अब उसी की स्टोरी आगे कंटिन्यू क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, इसी को सोच के आप ये चाहेंगे कि सेकंड सीज़न आए, ठीक है। सो अगर मैं ये काली काली आंखें वेब सीरीज़ को बताऊं कि वो आप लोगों को देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो अगर आपने जैसे कि फोर मोड शॉर्ट्स हो गई, इस टाइप की वेब सीरीज़ देख ली हैं, तो उससे तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने बहुत कुछ अच्छा किया है इसके अंदर, और मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार तो ये वेब सीरीज़ देख लेनी चाहिए। मेरी तरफ से अगर मैं बात करूँ इसे रेटिंग की, तो मेरी तरफ से इसे 5 out of 3 स्टार मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। और गाइस, बेसिकली मैंने जिस लिए ये चैनल बनाया है उसका मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी मूवी रिव्यूज़ करूँ, वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ करूँ, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।